ओम गंग गणपते नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल ज्योतिष मार्ग में। दोस्तों धन की देवी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे 90 सालों के बाद 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को दिखेगा कार्तिक पूर्णिमा का चांद। 12 राशियों में से 4 राशि वालों की लगेगी लॉटरी। जय दोस्तों मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ये 4 राशि वाले होंगे करोड़पति, धन से मालामाल। आपको बता दें धन की देवी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे 90 सालों के बाद 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को, जो कि माता लक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग में दोस्तों अब 12 राशियों में से 4 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। जा दोस्तों इन 4 राशि वालों की इस दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन लॉटरी लगने वाली है, धन की वर्षा करने वाली है माता लक्ष्मी, करोड़पति बनने वाले हैं 4 राशि वाले। स्वयं खुद धन की देवी मां लक्ष्मी अब इन 4 राशि वालों के घर कार्तिक पूर्णिमा के दिन पधार रही हैं, जिससे अब इन 4 राशि वालों के जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट हैं वे सभी दूर होने वाले हैं। और अब इन 4 राशि वालों के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा से, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, जिससे अब इन 4 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। जब दोस्तों वे खुश नसीब और भाग्यशाली 4 राशियां कौन कौन सी हैं जिनकी 15 नवंबर दिन शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी योग बनने से लॉटरी लगने वाली है, करोड़पति बनने वाले हैं 4 राशि वाले। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 4 खुशनसीब और भाग्यशाली राशि के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बहुत ही भाग्यशाली राशियां रहने वाली हैं 4 राशियां जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते अब इन 4 राशि वालों को धनवान बनने से, मालामाल बनने से, करोड़पति बनने से, लॉटरी लगने से। जय दोस्तों इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 4 राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देख लें। जय दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले लाइक करना वीडियो को। माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सके, घर परिवार वालों को पर माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बरसे। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी वे 4 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां जिन पर माता लक्ष्मी मेहरबान है, प्रसन्न है और अपनी कृपा बरसाने वाली है 4 राशि वालों पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा को हम कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन महादेव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का श्रृंगार किया था, तो इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। यदि इस दिन कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिक होती है, वही भरणी नक्षत्र हो तो इस पूर्णिमा का विशेष फल प्राप्त होता है, रोहिणी नक्षत्र की वजह से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बता दें मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु जी का मात्सल्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा नदी में स्नान के बाद दीप दान का फल 10 यज्ञों के समान होता है। ब्रह्मा विष्णु शिव अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनित पर्व कहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान, होम, यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व है इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्म कांड इस प्रकार है, आपको बता दी। सबसे पहले तो क्या करें, पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जल्दी उठें और संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी, सरोवर, कुंड आदि में स्नान करें। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाना संभव ना हो तो क्या करें, घर पर ही
नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालें और स्नान करें, और स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। स्नान आदि से निर्वत्र हो जाएं। निर्वत्र होने के बाद सब प्रथम व्रत का संकल्प लें, यदि संभव हो तो व्रत जरूर रखें। और दोस्तों स्नान आदि से निर्वत्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आपको सब प्रथम भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें। ओम गणेश सूर्यदित्य नमः भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का स्मरण करते हुए जाप करते हुए। और दोस्तों इस दिन क्या करें आप, चंद्रोदय पर शिवा शंभुति संतति प्रीति अनुसैया और क्षमा इन छह कृतियों का पूजन करना अवश्य है आपको। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके आप बैल का दान करने से शिव पर आपको शिव पद प्राप्त होता है। गाय हाथी घोड़ा रथ और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। दोस्तों इस दिन भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्टों का नाश होता है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत रखने वाले व्रतियों को किसी जरूरतमंद को भोजन हवन अवश्य कराना चाहिए। गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें इस दिन। अन्न धन वस्त्र जो भी बने दान धर्म के कर्म जरूर करें आप इस दिन। इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीप दान करना चाहिए। विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। हमने आपको बताया आप इस दिन अन्न धन वस्त्र समस्त देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आप दान कर देते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको। अन्न धन वस्त्र अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान कर देना, बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। और दोस्तों इस दिन शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है। शाम के समय अपने घर पर या फिर आसपास में जहां भी मंदिर हो वहां तुलसी के पौधे के नीचे आटे का बनाकर चौमुखी दीपक उसमें गाय का घी डालकर लाल वाले कलावे की बाती लगाकर उसे जला देना। शुक्रवार का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। जो मनोकामना मांगोगे मुंह से निकली हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। और सात बार परिक्रमा जरूर कर लेना दीपक जलाकर और जड़ के समीप रखना तुलसी के। दोस्तों माता तुलसी माता लक्ष्मी समस्त इच्छाएं मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करेंगी, हर मनोरथ सिद्ध हो जाएगा आपका। और दोस्तों एक उपाय और कर लेना, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है, तो इस दिन गाय को आप गुड़ घी और तिल अपनी हथेली पर रखकर खिला देना। हथेली पर रखना, गाय से चाट ले गुड़ थोड़ा घी और तिल, और सात बार गाय की परिक्रमा करना। पीठ पर जो कुबड़ होता है हाथ फेरते हुए मनोकामना मांगना, सात बार परिक्रमा करना गाय की। और गाय के पैर जो खुर उस पर माटी लगी रहे अपने मस्तक पर आंख पर कंठ पर गले पर लगाना, आपको बहुत विशेष लाभ होगा। और आप स्वयं 21 दिनों के अंदर ये महसूस करेंगे कि आपकी वह इच्छा पूर्ण हो जाएगी जिस इच्छा को लेकर मनोकामना को लेकर आप इस उपाय को करेंगे। बहुत विशेष शुभ फलदायी है इस दिन पूर्णिमा, बहुत लाभ देगी, उपाय जरूर करें। विधि विधान से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी का स्मरण करें, पूजन करें, आरती करें, कीर्तन करें, इनके नाम का विशेष लाभ मिलेगा, समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जो कि माता लक्ष्मी धन की देवी है। माता लक्ष्मी की कृपा से 15 नवंबर दिन शुक्रवार को बन रहे महालक्ष्मी योग में अब ये चार राशि वालों की लॉटरी लगेगी, माला माल होंगी, ये चार राशि वाले करोड़पति बनेंगी। स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते इन चार राशि वालों को माला माल होने से, धनवान बनने से। तो चलिए शुरू करते हैं, वे कौन कौन सी चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां हैं। दोस्तों
जैसा कि आप सभी लोग जानती हैं, मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। सनातन धर्म के शास्त्र और पुराणों में वर्णित है कि यदि किसी पर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो उसके घर कभी धन और वैभव की कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप इस बात से परिचित हैं कि मां लक्ष्मी का स्वभाव बेहद चंचल माना जाता है? ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी मां लक्ष्मी एक जगह टिक कर नहीं रह पाती। यही वजह है कि मनुष्य के जीवन में धन संबंधी उतार चढ़ाव हमेशा आते ही रहते हैं। धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए लोग तमाम प्रकार के उपाय भी करते हैं, जिससे मां खुश होकर व्यक्ति को मालामाल बनाती हैं। जी दोस्तों, आज के समय में इंसान को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे पहला कारण आर्थिक तंगी है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव ग्रहों की चाल से भी निरंतर होते रहते हैं। इसलिए मनुष्य हमेशा से ही भविष्य को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं। इसी क्रम में इस बार अब विशेष महासंयोग बन रहा है, जिसमें मां लक्ष्मी अब 12 राशियों में से 4 राशियों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई हैं और इन पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि हमने बताया है कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्व होता है। इनकी चाल से सीधा हमारे सामान्य जीवन पर असर पड़ता है। कभी कोई ग्रह किसी राशि के लिए खुशियां लेकर आता है तो कभी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसी क्रम में इस बार के महासंयोग से मां लक्ष्मी इन 4 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई हैं। यूं कहें कि इन 4 राशि वालों की अब लॉटरी लगने वाली है। जी दोस्तों, ऐसा संयोग जीवन में कभी कभी ही आता है, जिसमें मां लक्ष्मी स्वयं 4 राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। जी दोस्तों, अब इन 4 राशि वालों के जीवन में मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। जी दोस्तों, जिन 4 राशियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है, उन 4 और खुशनसीब भाग्यशाली राशियों में से पहली राशि है कन्या राशि। जी दोस्तों, कन्या राशि वालों को बता दें कि मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप लोगों के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी दोस्तों, आपके लिए अब समय अत्यंत शुभ रहने वाला है और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत अधिक धन लाभ प्राप्त करने वाले हैं। जी दोस्तों, धन संबंधित अनेक प्रकार के लाभ आपको अब प्राप्त होने वाले हैं। धन प्राप्ति के अनेक अवसर कन्या राशि वालों अब आपको मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से प्राप्त होने वाले हैं। मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधार रही हैं और आपकी झोली अब खुशियों से भरने वाली है। जहां दोस्तों, आप हर कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपका जीवन सुखमय बनेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। कन्या राशि वालों, कहना गलत नहीं होगा, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियों का भंडार आने वाला है। आपका जीवन अब मां लक्ष्मी खुशियों से भरने वाली है। आपके जीवन में अब आपको अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होंगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। या दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है मेष राशि। या दोस्तों, मेष राशि वालों को बता दें कि आपकी कुंडली में जबरदस्त महालक्ष्मी योग बन रहा है। यह संयोग कभी कभी ही बनता है। जी दोस्तों, जिसके कारण आपके लिए मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से समय अब बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जी दोस्तों, आप जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे जो आपके जीवन की दशा को ही बदल कर रख देगा। जी दोस्तों, अब आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी किस्मत में अब मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगह से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। या दोस्तों, मेष राशि वालों, आप व्यापार में देखेंगे कि आपको व्यापार में लाभ मिलने वाला है। जो लोग व्यापार करते हैं
उनका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करेगा। आपको हर जगह से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी की तलाश में हैं, उनकी मनचाही इच्छा पूरी होगी, उन्हें मनचाहा नौकरी मिलेगी। और साथ ही साथ नौकरी जो लोग करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन वेतन वृद्धि के भी योग हैं। मेष राशि वालों, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का भी सुख मिलने वाला है, कहना गलत नहीं होगा। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से मेष राशि वालों अब आपके जीवन में खुशियां खुशियां आने वाली हैं। अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मां लक्ष्मी स्वयं आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जय दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कुंभ राशि। जय दोस्तों, कुंभ राशि वालों को बता दें कि मां लक्ष्मी अब आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई हैं। आपके ऊपर मां लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा बन रही है, जिसकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और पैसा बढ़ेगा, अधिक धन लाभ अब आपको होने वाला है। कुंभ राशि वालों, आप कोई जल्द ही नया काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके घर परिवार में शांति बनी रहेगी। और आपको बता दें कुंभ राशि वालों, जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा मिलने वाला है। उनका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। साथ ही साथ जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या पर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो वह सपना इनका जल्द ही पूरा होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी कार्य अब बहुत आसान तरीके से पूर्ण होने वाले हैं। जो कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे, वह कार्य आपके सफलता पूर्वक पूरे होंगे। आपको हर जगह से अब कुंभ राशि वालों लाभ ही लाभ मिलने वाला है। मां लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा आपके ऊपर बन रही है। यूं कहें कि आपकी जल्द ही अब लॉटरी लगने वाली है। कुंभ राशि वालों, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको अनेकों प्रकार के धन लाभ प्राप्ति के योग हैं और आपके जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। जय दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है तुला राशि। जय दोस्तों, तुला राशि वालों को बता दें कि मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपको बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ होगा और इसके साथ ही पूर्व में की गई आपकी मेहनत का परिणाम अब आपके सामने आएगा। व्यवसाय में आपकी योग्यता का प्रदर्शन अब सभी लोग देखेंगे। तुला राशि वालों, अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जय दोस्तों, मां लक्ष्मी आपके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके जीवन में अब खुशियां खुशियां आने वाली हैं। जय दोस्तों, आपका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लक्ष्मी योग के कारण जबरदस्त कमाई के अब आपको अवसर मिलने वाले हैं। जा दोस्तों, अनेकों प्रकार के लाभ धन लाभ तुला राशि वालों अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। साथ साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं, तो वह योजना इनकी अवश्य ही सफल होगी। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको संतान प्राप्ति का सुख मिलने वाला है। जा दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा। तुला राशि वालों, अब मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको हर जगह से लाभ ही लाभ मिलेगा। नौकरी करने वालों को नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाही नौकरी प्राप्त होने वाली है, कहना गलत नहीं होगा। तुला राशि वालों, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी और समय आपके लिए पूर्णतः अब पक्ष में रहेगा। जय दोस्तों, ये थी वे चार खुश नसीब और भाग्यशाली राशियां जो कि मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब धन से मालामाल होने वाली हैं। यूं कहें कि इन चार राशि वालों को करोड़ों का धन मिलने वाला है। ये चार राशि वाले अब धन से मालामाल होने वाले हैं। इन चार राशि वालों को मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से इनके जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होंगी, जिससे इन चार राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। या दोस्तों, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो,
सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर करें। जय मां लक्ष्मी।